कैसे हो? मस्त सोचो, आज गाइस नारियल की चटनी बनाएंगे साउथ का, और भी गाइस सांभर के साथ खाने के लिए इडली, चाहे इडली के साथ खाए, चाहे डोसा के साथ खाइए, चाहे उत्तपम के साथ खाइए। चलिए गाइस हमने निकाल लिया और इसको फटाफट छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते हैं। तो देखिए गाइस मैंने छोटा छोटा पीस काट लिया, अब इसको धो लेते हैं, तब फिर गाइस पीसते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए गाइस मैंने तीन चार मिर्ची ले लिया तीखी, और लहसुन तीन चार कर लिया, थोड़ा धनिया। तो पहले ये डाल के गाइस हमने इसमें धो लिया हूँ, इसमें अब गाइस इसको पहले पीस लेता हूँ, तब लास्ट में इसको धनिया पीसेंगे। गाइस हमारी चटनी पिसा गई है, अब इसमें हम धनिया काट के एक राउंड राउंड मार देते हैं, पूरी ग्रीन चटनी नारियल छोड़ देते हैं। गाइस होता है पहले नारियल की चटनी में थोड़ी सी पानी डाल के ही पीसना, और नारियल टुकड़ा करके काट के ही डाला तो ही नारियल आपका गाइस पीसेगा, नहीं तो मिर्ची ज़्यादा चलने नहीं देगा। चलिए गाइस इसको भी फटाफट पीस लेते हैं। देखिए गाइस हमारा नारियल का चटनी पिसा गया है, अच्छी तरह सब इसको खाली करके तड़का मारने के लिए रेडी कर रहा हूँ। देखिए गाइस इसमें हम थोड़ा दही डाल दिया हूँ, थोड़ा और दही ऐड कर देता हूँ, एक टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, थोड़ी सी गाइस नमक डालेंगे, जरा गाइस जरा से नमक डाल दिए, अच्छी तरह से मिला लेते हैं गाइस इसको करके। गाइस तड़के के लिए तैयारी कर दी है, राइस और निमड़ा से तड़का मारे थे। देखिए गाइस हमने जो अच्छे तरह से मिला दिया हूँ, अब इसको गाइस हमारा देखिए कितना ग्रीन अच्छा कलर चढ़ा है। गाइस इसको अब कड़ी पत्ता से अब हम मारेंगे, लाल मिर्च का साबुत का नहीं तड़का मारेंगे गाइस। अब ये रहा गाइस हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा राई डालते हैं, तब तक राय गड़गड़ा रहे गाइस, तब तक हम कड़ी पत्ता तोड़ लेते हैं इसमें से। ये गाइस गड़गड़ा रहा है हमारा, हो गया रेडी, राय सूख गया। अब इसमें गाइस कड़ी पत्ता डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे, ऊपर से इसमें डालने का गाइस, इससे खुशबू आपका टिकेगा। तो देखिए गाइस इसको क्या करने लग दो, कैसे देखिए गाइस इसको तुरंत डाल दीजिए। 5 मिनट तक गाइस मत खोलना, आपकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें रहेगी, आपकी चटनी कोई भी खाएगा आपका तारीफ करेगी। तो चलिए गाइस अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बन लेगा गाइस। इसके साथ उत्तपम बनाएंगे तो गाइस आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए गाइस थैंक यू। अब देखिए इसको हमारा कैसा कलर आएगा, हम इसको बाद में मिलाएंगे, इसको रहने देते हैं गाइस आप लोगों को उसको अच्छा अच्छा। देखिए गाइस हमारा 5 मिनट हो गया है, अब इसको हम अच्छे तरह से मिला देते हैं। देखिए गाइस कितना मस्त चटनी हमारी बनी, नारियल के साउथ वाला बन के तैयार हो गए हैं। और अच्छी तरह से प्लेट फेर दिया, तेल खत्म, इसमें आप लोग को लगेगा कि तेल इसमें पूरा अच्छी तरह से गाइस भेज देंगे, आप तक तेल मिल जाएगा, दिखेगा नहीं जरा सा कि तेल से तड़का मारे कि नहीं। गाइस रियल चटनी बनाने का सही तरीका यही है, मैंने फेंक दिया कितना अब आपका बिल्कुल नहीं दिखेगा। चलिए गाइस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नारियल की चटनी बनाने का सही तरीका। अब हमारा हो गया है गाइस।